हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब इसमें बोल रहा है कि आउट ऑफ द थ्री मॉलिक्यूल्स XeF4, SF4, SiF4, वन विच हैज़ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जिसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें टेट्राहेड्रल अगर बोला है तो हम सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। तो टेट्राहेड्रल होने के लिए द सेंट्रल एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। तो अगर इन तीनों में से जो भी sp3 हाइब्रिडाइज है, दैट विल बी आर आंसर। तो सबसे पहले अगर मैं XeF4 में देखूँ, तो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, विच एवर मेथड यू लाइक। तो इधर पे मैं ये वाला मेथड यूज़ करता हूँ, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स। तो अब इधर पे क्या है, ये sp, इसके बाद लोन पेयर्स कितने हैं, दो। तो दिस विल बी, तो इसका स्टेरिक नंबर विल बी 2 3 4, 2 3 4 5 6। तो स्टेरिक नंबर इज 6, तो दिस विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइज, sp3d2। तो ये तो नहीं हो सकता। नाउ सेकेंड देखते हैं, sf4 में देखते हैं। sf4 में सल्फर चार बॉन्ड बना रहा है, एफ 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 एफ, ओके। अब सल्फर ने चार बॉन्ड बनाया है, एंड सल्फर की, सल्फर का लोन पेयर कितना है, सल्फर के पास अब भी एक लोन पेयर है, बिकॉज उसका, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार यूज हो गए, दो एक लोन पेयर बचा है। तो दिस, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, राइट, sp3d, बिकॉज इसका स्टेरिक नंबर विल बी 5, इसका स्टेरिक नंबर इज 5, तो इसका sp3d हाइब्रिडाइज हो गया। तो ये sp3d हाइब्रिडाइज है, तो हमारा sf4 भी नहीं हो सकता, राइट। अब बचा क्या, si4, तो अब इसको तो होना ही पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में दो नहीं है तो एक तो होना ही पड़ेगा। तो हिडन ट्रायल से भी कर सकते हैं, बट फिर भी हम देखते हैं, si f चार बॉन्ड बना रहा है, अब इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ चार बॉन्ड बना रहा है, तो इसका स्टेरिक नंबर इज 4, तो आई कैन से दैट इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, देयरफॉर आवर आंसर विल बी ओनली si f4। तो बी आंसर विल बी करेक्ट। ओके, थैंक यू।